प्रदेश में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह आई रिपोर्ट के अनुसार 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 815 हो चुकी है। वहीं जयपुर के रामगंज क्षेत्र से 10 और जोधपुर से 7 और कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिनकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के दौरान राजनीतिक बयानबाजी ना करने की अपील करते हुए कहा कि जो अति उत्साह में बयान दे रहे हैं आज के हालात में उचित नहीं है। इस महामारी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लड़ाई लड़ रही है। सुबह की रिपोर्ट में अब तक 815 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 121 ठीक हो चुके हैं। देखिए, एक तो मैं क्योंकि इस महामारी से जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ने के लिए हम सब लोग पूरे देश में, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, केंद्र और राज्य सरकार मिलके इसका मुकाबला कर रही है। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी की गुंजाइश नहीं है, और जो लोग भी अति उत्साह में ये बयान दे रहे हैं मैं समझता हूँ वो बयान अभी इस अवस्था में उचित नहीं है। अभी सबको जो जरूरत है वक्त की कि आम आदमी की कैसे हिफाजत हो, इस महामारी से हम कैसे अपने आप को, अपने प्रदेश को बचाएं, वो समय है, ये बयानबाजी का समय नहीं है। इसलिए मैं तो यही अपील करना चाहता हूं सभी लोगों से कि इस टाइम ना तो सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करें, ना अखबारों में इस तरह के बयान दें जिससे आम आदमी भ्रमित हो। वैसे ही परेशान आम आदमी इस महामारी को लेकर, लॉकडाउन इतना लंबा चल रहा है, हर तरह की दिक्कत के बीच में आज आम आदमी है, और फिर हम लोग अपने बयानों से उनको भ्रमित करें तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा, उनके साथ ये ठीक व्यवहार नहीं होगा। और राजस्थान में हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने पर जोर दे रही है। जितने टेस्ट होंगे उतनी असलियत सामने आएगी, स्थितियां हमारे नियंत्रण में है। आज सुबह 9 बजे जो रिपोर्ट मिली है उसमें 815 लोग पॉजिटिव के रूप में आए, लेकिन 121 ठीक भी हो गए। 63 लोगों को घर भी भेज दिया हमने, डिस्चार्ज कर दिया है, 22% रिकवरी है। और जिस ढंग के इंतजाम पूरे प्रदेश में हुए हैं, चाहे जांच की सुविधा बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी को सजा नहीं समझनी चाहिए, और यही निर्देश है मुख्यमंत्री जी के कि शानदार व्यवस्था होनी चाहिए। होटल्स आप अधिग्रहित करो, एक कमरे में एक व्यक्ति को रखो, अटैच लेटरिन बाथरूम हो उसमें, उनके मनोरंजन की सुविधा वहां डेवलप करो, और उनको टाइम पे नाश्ता मिले, टाइम पे दोपहर का भोजन मिले, टाइम पे रात्रि भोजन मिले। कतई किसी रूप में क्वारंटाइन फैसिलिटी को सजा के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रिकवरी पीरियड है, जो संदिग्ध है, जो पॉजिटिव है, ज्यादातर जो राजस्थान में कैजुअलिटीज हुई है, डेथ हुई है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखो या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखो, हमारा परसेंटेज तो 1.5% से भी नीचे है। वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी बहुत गंभीर बीमारियां थी या जिनकी एज फैक्टर सामने थी, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। राजस्थान में स्थितियां नियंत्रण में, हम बार बार कह रहे हैं, रामगंज या जयपुर जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेज हैं 341, वहां भी हम दो तरह से सैंपलिंग कर रहे हैं जांच कराने के लिए, एक तो रूटीन सैंपलिंग है और एक क्लस्टर मैनेजमेंट की सैंपलिंग है। 3,500 टेस्ट हुए, 3,500 में 2,000 तो पर्टिकुलर परकोटिक एरिया में हुए, 120 पॉजिटिव केसेस वहीं से आ गए। तो आम आदमी से रिक्वेस्ट यह है कि आप प्रशासन का सहयोग करो। भीलवाड़ा में हम इसलिए कामयाब हुए कि वहां जो गाइडलाइन प्रशासन ने, पुलिस ने, चिकित्सा विभाग ने आम जनता के बीच में रखी, वहां की जनता ने उसको फॉलो किया। अनुशासन से ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, और जहां अनुशासन टूटता है वहां पर ये स्थितियां बिगड़ती है। अब ये जो चाहे गलियां हैं, चाहे अंदर के इलाके हैं, आम आदमी को आवाजाही पे तो नियंत्रण रखना पड़ेगा, एक दूसरे से मेल मिलाप, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका मूल मंत्र है फतेह करने का इस बीमारी पर। और चाहे RAC लगानी पड़े तो RAC लगाने से भी सरकार चुकेगी नहीं, लेकिन सख्ती से ही इस बीमारी पे विजय प्राप्त की जा सकती है। हमने रूथलेस मैनेजमेंट किया भीलवाड़ा में, वही वहां की सफलता का राज है, और वही काम रामगंज में भी और जयपुर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल सिटी के बाहर भी 48 केसेस आ गए हैं। तो कर्फ्यू लगा दिया,
उसके बाद भी आवाजाही चलेगी तो फिर आरएसए भी लगाएंगे, सख्ती भी करेंगे, लेकिन आम आदमी को तकलीफ देने के हिसाब से हरगिज कोई फैसला नहीं हो रहा है। राशन की सामग्री उनके घर तक पहुंचे और आवश्यक जरूरत की चीजें, चाहे दवाइयां हैं, फल सब्जी है, दूध है, वो उन तक पहुंचे। सरकार आम आदमी को परेशान करने के लिए तो ये काम कर नहीं रही है, आप ही की हिफाजत के लिए, आपका ही जीवन बचाने के लिए हो रहा है सब काम। ऐसे में कुछ दिन का कष्ट अगर अनुशासन के साथ हम झेल लेते हैं, हालांकि निर्देश ये दिए गए हैं कि क्वारंटाइन में रखने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, तो ये सब के बावजूद थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। हम सब मिलके और इस महामारी से लड़ेंगे, निश्चित रूप से।